हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तरफ से एक वैकेंसी आई है, मैट्रिक के जो लोग मैट्रिक कर चुके हैं उनके लिए है ये। तो इसका फॉर्म हम कैसे अप्लाई करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हनफिया टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैं आपको इसका एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूं। ये एडवर्टाइजमेंट है, इसका जो ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख शुरू हुई थी तो वो 23 तारीख है और इस 23/9/2022 से, यानी कि सितंबर में ही शुरू हुआ ये वैकेंसी आई है। और इसके बाद इसकी आखिरी जो तारीख है वो 31/10/2022 है, यानी अक्टूबर, इसी अक्टूबर के 31 तारीख तक है। इसमें आप देख सकते हैं इस कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दी गई कि कितनी सीट है, किस कैटेगरी में है। बिहार गवर्नमेंट ने जो कास्ट के लिए जो रिजर्व निकाला है उसके हिसाब से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक के साथ साथ आपकी एज रिस्ट्रिक्शन भी है इसमें कि आपकी एज कम से कम 18 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 होनी चाहिए। और आपके जो कास्ट के हिसाब से जितना आपको बेनिफिट मिलता है उसका अलग आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इस एडवर्टाइजमेंट का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप इस वाले वेबसाइट पे आएंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे में, यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन डिटेल्स दिया गया है कि किस तरह से फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे है कार्यालय परिचरी, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने काम किया है इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपने काम किया है तो यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। आप जैसे भी नेम एंटर करेंगे ऑटोमेटिक ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये कैपिटल लेटर में हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे नाम देंगे, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम देंगे, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलेंडर से चूज करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसको आप कैलेंडर से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना एक ईमेल एंटर करेंगे, जो आप ईमेल देना चाहते हो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी पे जो आपने ईमेल आईडी दिया उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जा चुका है, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपका ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो नंबर देना चाहते हो वो नंबर देंगे, फिर उस गेट ओटीपी मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरह से जिस तरह से ईमेल वेरीफाई हुआ है उसी तरह से ये भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे बिहार। उसके बाद कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं पूरा यहाँ पे लिस्ट है, इसमें आप डाल सकते हैं जो भी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप किसी रिटायर्ड सर्विसमैन से हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, वरना यहाँ पे आप नो रहने देंगे। अगर आप फिजिकली अगर हैंडीकैप्ड हैं तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे वरना आप ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम, उसके बाद यहाँ पे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसमें भी अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे वरना आप नो, इसको ऐसे ही ब्लैंक रहने देंगे। उसके बाद नेम एज पर आधार, आपके आधार कार्ड में जो नाम है ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद नीचे ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार, आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है तो सिर्फ उसका ईयर लिखना है। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 25/6/1996 तो आपको सिर्फ यहाँ पे 1996 ही एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और वैलिडेट आधार फ्रॉम सर्वर पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अग्री, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे अग्री करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको यहाँ पे यूज़र आईडी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड सेट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना आपका यूज़र आईडी ऑलरेडी दिया रहेगा, यहाँ पे आपको नया पासवर्ड सेट करना है। नया पासवर्ड कैसा है, कम से कम आपका 8 डिजिट का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिजिट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें एक अपर केस भी होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, जैसे बी कैपिटल हो गया, IKE बाइक कर दिए, उसके बाद फिर @ कर लिए, उसके बाद 1 2 3 इस तरह के करके आप पासवर्ड अपना रख सकते हैं। फिर उसी पासवर्ड का आप यहाँ पे रीटाइप करेंगे और उसके बाद ये जो कैप्चा शो हो रहा है यही कैप्चा आप यहाँ पे फिल करेंगे दोबारा से और फिर यहाँ पे सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा,
आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा गया उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो जाएगा, यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपको दोबारा से यहाँ पे लॉग इन करना है, आपको जो यूजर आईडी मिला था उस यूजर आईडी को और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर ये जो कैप्चा शो रहा है इसको आप यहाँ पे एंटर करके लॉग इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे कुछ आपका पर्सनल डिटेल्स होगा वो यहाँ पे शो होगा, लेकिन उसमें से आपको कुछ कुछ आपको भरना है, जैसे मैरिटल स्टेटस आप यहां से सेलेक्ट करके अपने हिसाब से भरेंगे। उसके बाद यहां पे मदर्स नेम सेलेक्ट करेंगे, मदर नेम यहां पे एंटर करेंगे। फिर उसके बाद जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहां पे आपको अपना एड्रेस यहां पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहां पे नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहां पे एक ऑप्शन है, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस पे क्लिक करेंगे, वरना या इसको आप नो रहने देंगे। उसके बाद आप यहां पे अपना पिन कोड एंटर करेंगे, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे चेहरे पे कटा या तिल वगैरह हो तो वो आप यहां पे एंटर करेंगे। यहां पे कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपका दोनों एड्रेस यानी परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे सेम टिक मार्क कर देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर देंगे। आपका पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो गया, यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन हो गया यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल्स, ये दोनों यहाँ पे ग्रीन हो गया यानी कि दोनों चीज आपने यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे एंटर करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मैट्रिक का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, जैसे आपने मैट्रिक किस बोर्ड से किया है, किस स्कूल से किया है, उसका सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, किस साल आप पास किए हो यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद फुल मार्क्स कितने का था वो यहाँ पे एंटर करेंगे, आपने कितने मार्क्स आपको मिले थे वो यहाँ पे एंटर करेंगे और जब टैप बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज शो होने लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे एक बार क्लिक कर देंगे, आपका डिटेल सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे गो टू हम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन वो भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर भी अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फोटो कितना साइज का होना चाहिए, 200x230 पिक्सल का होना चाहिए, मैक्सिमम उसका साइज 50 KB से होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर का साइज होगा वो 140x60 पिक्सल का होगा और इसका मैक्सिमम साइज होगा 20 KB का और सिग्नेचर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए। आप फोटो को कैसे इतने साइज का बनाएंगे उसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अपना फोटोशॉप ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हो वो यहाँ पे नाम दे देंगे। उसके बाद जो साइज होगा मैं बताया था यहाँ पे जो फोटो की साइज है वो आपका कितना 200 पिक्सल, इसका विड्थ 200 पिक्सल होना चाहिए और इसकी हाइट 230 होनी चाहिए, इतना करेंगे। और इसके रेजोल्यूशन यहाँ पे आप 300 रखेंगे और यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर सही है, उसके बाद यहाँ पे पिक्सल आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फोटो के साइज बन गया है। और उसके बाद यहाँ पे फाइल में आएंगे, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और आप जहाँ भी फोटो रखे हैं उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और इस फोटो को इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे ले करके आएंगे इसमें और इसको इस अपने हिसाब से इसको आप सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप सेट करने के बाद ये जब सेट हो जाएगा यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेंगे, अब इसको कंट्रोल एस के साथ इसको आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये सेव होगा, आप जो भी नाम देना चाहते हैं इसका आप नाम दे देंगे। यहाँ पे सेव एज अ टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे JPG फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और इस पे आप नाम दे देंगे जो भी, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको पूछेगा कि कितने साइज का आपको चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 36 KB का है और मुझे 50 KB का कम चाहिए तो ये मेरे साइज के हिसाब से सही है। यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर देंगे तो ये मेरा फोटो जो बन के आया डेस्कटॉप पे, ये जो फोटो बना है ये बिल्कुल उसी साइज का है, ज्यादा नहीं है, कम है, 50 KB से कम है। तो इस तरह से आप फोटोशॉप में भी अपना फोटो को एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं और सिग्नेचर को भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। हमने अपना फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम फिर गो टू होम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने अपना डिटेल्स भर लिया, आप यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट डिटेल्स यहाँ पे भरने हैं, इस पे क्लिक करेंगे। यहां से आपको आपके पास इसमें से जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ से आप बना है, किस स्टेट से बना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे, किस तारीख को वो सर्टिफिकेट बना है उसको आप यहाँ से कैलेंडर से डेट चूज करेंगे और जितना भी इसमें से आपके पास अगर जो भी इसमें से डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करके पूरा डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक करेंगे। ये तमाम डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उसके बाद आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रीव्यू, आपने जो भी फॉर्म भरा है उसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद जब आपने पूरा जब अपना डिटेल्स जब आप चेक कर लेंगे तो यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP भेजा गया है उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने इस तरह से आपको शो होने लगेगा। तो आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे ऊपर में आपका शो होगा, इसको आप प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। तो ये रही आज की वीडियो। आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।